तो दोस्तों तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम आज आप लोग के लेके आए हैं बिहार बोर्ड के लिए जियोग्राफी का पेपर, ठीक ना। कौन सा? जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। कल बाबू हिस्ट्री का लाइव क्लास देते समय आप लोगों का बहुत डिमांड था कि जियोग्राफी का सर पेपर लेके आइए, ठीक ना। तो देखिए आज हम आप लोग को जियोग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक ना। टॉप 50 क्वेश्चन, आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड अब 100% ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें से 50% का उत्तर देना होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास। कल हमने जिस तरह हिस्ट्री का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था, वैसे फिर आज जियोग्राफी का लेके आए, ठीक ना। आप लोग के ही डिमांड है, वो लेके आए, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आते हैं। आप लोग से बस यही निवेदन है कि आपके जो भी दोस्त हैं जो जियोग्राफी लिए हैं और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो इनका ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, गाँव के कस्बे के शहर के जो भी बच्चे हैं उनके पास शेयर कीजिए, ठीक ना। उनके पास शेयर कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन बच्चों को आंसर पता होगा जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, हमसे पहले आप लोग उत्तर दीजिए, ठीक ना, ताकि हमारा हौसला बना रहे, आप लोग का भी हौसला बना रहे कि हाँ वीडियो रेगुलर आता रहेगा, ठीक ना आप लोग के लिए। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का बाबू उप क्षेत्र चिकित्सा भूगोल नहीं है, ठीक ना। चिकित्सा भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कौन आता है? लिंग भूगोल आता है, सांस्कृतिक भूगोल और सैन्य भूगोल आता है, लेकिन चिकित्सा भूगोल नहीं आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। ये देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दो नंबर क्वेश्चन है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, ठीक है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो बाबू देखिए जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, एक तो पहले 2022 में आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक ना। तो 2022 में अगर एग्जाम देना है तो अगर 2022 में पूछे कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है, तो आप लोग का उत्तर होगा चीन, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें आप लोग को रूस हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, इसमें रूस हो जाएगा। इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कि ऊंच है, ठीक ना। इसका जनसंख्या वृद्धि दर बाकी देशों से ऊंच है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि कौन प्रतिकर्षक का कारक नहीं है। प्रतिकर्षण का कारक नहीं है, ठीक ना। तीन नंबर क्वेश्चन है कि कौन प्रतिकर्षक का कारक नहीं है। तो आप लोग का तीन कैसे हो जाए कि चिकित्सक सुविधा जो है कि वो प्रतिकर्षक का कारण नहीं है, ठीक ना। चिकित्सक सुविधा जो है कि प्रतिकर्षक का कारक नहीं है, ठीक है। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। कार्यशील जनसंख्या, जी बाबू आप लोग जनसंख्या संगठन में पढ़े होंगे कार्यशील जनसंख्या, ठीक ना। पॉपुलेशन कंपोजिशन में पढ़े होंगे, ठीक ना। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? तो कार्यशील जनसंख्या मतलब कि किस वर्ग के लोग, किस आयु वर्ग के लोग जो है कि ज्यादा कार्यशील होते हैं, ज्यादा काम करते हैं। तो 15 से 59 उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कि बहुत ज्यादा कार्यशील होते हैं। तो चार का क्या हो जाएगा? हो जाएगा चार का बी विल बी आंसर, ठीक ना। चार का बी हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। आप लोगों को पता है तो उत्तर दीजिए, ठीक ना। इनमें से मानव विकास का स्तंभ है, माने कि मानव के विकास का ये स्तंभ है। तो मानव का विकास कौन सा काम आता है? समता भी मानव के विकास में काम आता है, सतत पोषणीय भी आता है, और उत्पादकता भी मानव के विकास में का एक पहलू है, ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन जो है कि फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हमें क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फाइव का क्या हो जाएगा? डी विल बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो हम देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन बाबू। सिक्स नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप, आप लोगों को पता है ना कि तृतीय आर्थिक क्रिया को, आर्थिक क्रिया को तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक ना। प्रथम आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीय आर्थिक और तृतीय आर्थिक, ठीक ना। प्राथमिक में होता है कि भगवान के द्वारा निर्मित जो भी चीज होता है उसे प्राथमिक में रखते हैं। अब भगवान के द्वारा क्या निर्माण किया गया? मिट्टी, मौसम, जलवायु, जंगल, ये सब रखा गया प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में आ जाता है कि जो इंसान मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, जैसे जंगल से लकड़ी काट के बेंच बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो ये द्वितीयक में आ गया। और तृतीयक में क्या होता है? सेवा क्षेत्र का नाम, माने मानव अपना काम खुद करता है, वकील का काम, शिक्षक का काम। तो देखिए तृतीयक क्रियाकलाप कहता है व्यापार, व्यापार कौन करता है? मानव खुद करता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका व्यापार, सेवाएं, संचार, ये तीनों मानव का ही निर्मित द्वारा किया गया, मानव खुद का निर्मित किया है, ठीक ना। संचार में भगवान का कोई चीज नहीं है, सेवाएं में भी भगवान का कुछ नहीं है। सेवा किया जाता है लैपटॉप से, मतलब कि सेवा किया जाता है किसी को फोन करके, या फिर जो भी सेवा क्षेत्र होता है, डाकिया का काम, या जो भी शिक्षक पढ़ाने से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या कहें, सेवा का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने किस भगवान का कोई चीज उपयोग ही नहीं किया है। मोबाइल है तो मोबाइल अपना उपयोग कर रहे हैं, मानव निर्मित है। किताब है तो किताब मानव निर्मित है।
तो जिसमें मतलब कि मानव खुद का निर्मित करके लोगों का सेवा करे उसको तृतीय क्रिया क्राप कहते हैं, ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, या इस क्वेश्चन को बाबू ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को पता है आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दीजिए। बिग इंच संबंधित है, अब देखिए वो बिग इंच किससे संबंधित है, ठीक ना, बिग इंच किससे संबंधित है। तो बाबू बिग इंच देखिए, कई बच्चे आंसर देंगे कि सड़क मार्ग से संबंधित है, ठीक ना, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी आंसर, ठीक ना, ये पाइपलाइन से संबंधित है। बिग इंच में क्या होता है कि पेट्रोलियम एलपीजी गैस जो है कि उसको परिवहन के लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता है। तो बिग इंच का प्रयोग जो है कि संबंधित पाइपलाइन से है, ठीक ना, न कि सड़क मार्ग से। कुछ लड़के सड़क मार्ग से मार देते हैं लेकिन पाइपलाइन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आठ और क्वेश्चन कि नाफ्टा अस्तित्व में आया था, ठीक ना, नाफ्टा अस्तित्व में आया था। अब ये कब आया था, तो नाफ्टा ए विल बी आंसर हो जाएगा, 1994 में आया था, ठीक ना, कब आया था, 1994 में आया था, ठीक है। अब ये कब आया था, तो एक जनवरी, ठीक ना, 1 जनवरी 1994 को नाफ्टा अस्तित्व में आया था, ठीक ना। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, ठीक ना, बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है, ठीक ना। तब अब यह भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर गुजरता है, मतलब कि बृहद जो ट्रंक सागर है वो भूमध्य सागर, ठीक ना, भूमध्य सागर और हिंद महासागर से होते हुए गुजरता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है, ठीक ना, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, मतलब कि कौन सा इसमें जो नगर है वाराणसी पटना लाहौर पीटर्सबर्ग में जो कि औद्योगों के लिए बहुत विकसित है। तो ये पीटर्सबर्ग, ठीक ना, ये पीटर्सबर्ग ऑप्शन बी विल बी आंसर, ठीक ना, क्योंकि पता है कि वाराणसी में कोई औद्योगिक नहीं है, पटना तो साफ खंकाले है, लाहौर तो मतलब कि पूरा बिगड़ले है, ये पीटर्सबर्ग विल बी आंसर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, 11 नंबर पे कि भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि की अवधि थी, मतलब कि भारत का कौन सा ऐसा दशक था जिसमें जनवृद्धि सबसे ज़्यादा जन मतलब कि लोगों की वृद्धि हुई। तो आप लोग को बता दे कि डी था, ठीक ना, 1991 से 2021 ईस्वी का जो समय था उसमें ज़्यादा जनवृद्धि हुई थी, ठीक ना। कुछ बच्चे इसको 1951 के बाद से मारते हैं, ठीक ना, सॉरी 1971 के बाद से लिख लेंगे, यहाँ पे 1991 हो जाएगा, ठीक ना, विल बी आंसर, ठीक है। ये देखिएगा कि तमिलनाडु में कौन सी भाषाई पारिवारिक प्रमुख है, ठीक ना, आप लोगों को पता है ना कि भाषाई संगठन लैंग्वेज कंपोजिशन में 4 टाइप होते हैं, ठीक ना। तो देखिए तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, तो इसमें द्रविड़ है, ठीक ना, कौन सा है, द्रविड़ है, ठीक ना, द्रविड़ विल बी आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, ठीक ना, मानव बस्ती से ये क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना, मानव बस्ती से क्वेश्चन है 13 नंबर कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। तो गुच्छित, पलीकृत, अर्धगुच्छित, ये तीनों यहाँ कंडीशन फॉलो करता है, ये तीनों ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, ठीक ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगर, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है कहने का ये मतलब है बाबू, ठीक ना, कहने का ये मतलब है इसका कि जो भारत के पूरब में स्थित नहीं है, ठीक ना, भारत के पूर्वी सीमा में स्थित नहीं है, मतलब कि भारत का पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी क्षेत्र है, तो इस पूर्वी क्षेत्र में वह स्थित नहीं है। तो कौन है, ये नासिक जो है, नासिक स्थित नहीं है, क्यों, क्योंकि नासिक यहाँ पर है महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र में नासिक है, तो इसका डी विल भी आंसर हो जाएगा, ठीक ना, नासिक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है, मध्यकालीन नगर मतलब कि वैसा कौन नगर है जिसका निर्माण मध्यकाल के शुरुआत में हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, तो इसमें जगह सूरत, डी विल बी आंसर, ठीक ना, क्या जगह सूरत हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत उत्तर भारत में रबी की फसल है, ठीक ना, कौन सा जो फसल है जो उत्तर भारत में रबी की फसल है, तो गेहूं है, ठीक ना, गेहूं रबी का फसल क्या होता है, जो अक्टूबर माह में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो कि उसको काट लिया जाता है, ठीक ना, उस अनाज जो है कि उपज किया कर लिया जाता है, तो ये गेहूं है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि काफ़ी उत्पादक राज्य क्या है, काफ़ी लिखा है लेकिन कॉफ़ी होगा, ठीक ना, कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू। तो 17 का कॉफ़ी कहाँ उत्पादक होता है, क्या आपके बिहार में कॉफ़ी उत्पादक किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक ना, तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक ए विल बी आंसर, ठीक ना। हरित क्रांति का संबंध है, अब हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध आप लोगों को पता ना कि हरित क्रांति आया था 1972 के लगभग में आया था, ठीक ना, पता ना आप लोगों को, हरित क्रांति खदान उत्पादन के संबंध से, ठीक ना, खदान उत्पादन के संबंध से 18 का क्या हो जाएगा, सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। आप लोगों को पता है ना कि पूर्वी भारत थी ना, पूर्वी भारत इस ये जो क्षेत्र है इसको पूर्वी भारत बोलते हैं। तो कौन नदी का बेसिन जो है पूर्वी भारत में है, तो इसमें जगह सिंधु नदी का जो बेसिन है ना, सिंधु नदी का, इसमें से जो नदी है ताप्ती, तो ताप्ती तो पूर्वी भारत का है ही नहीं, माई है ही नहीं, महाद्वीप बेसिन ये भी नहीं है, तो ए विल बी आंसर। ठीक है, सिंधु नदी का जो बेसिन है वो कि पूर्वी भारत से स्थित है। ठीक ना, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर कि लैगून और पस जल पाए जाते हैं। ठीक ना, तो लैगून और पस जल वो केरल उड़ीसा पश्चिम बंगाल तीनों पाए जाते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना, तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, थोड़ा सा समुद्र से, समुद्र का पानी जो मतलब कि झील बना लेता है उसे हम लैगून बोलते हैं। ठीक ना, जो खारा होता है। ठीक ना, तो उपयुक्त सभी ये यहाँ सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, अब 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, मतलब कि लौह अयस्क का उत्पादक केंद्र है। ठीक ना, ये 21 नंबर क्वेश्चन, तो बादाम पहाड़, ठीक ना, ये भी है, और गुरु माहिसानी ये भी है, और किरीबुरु, ठीक ना, ये भी है। तो यहाँ तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक ना, मतलब कि ये तीनों है, यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन अधित्व खनिज है, अधित्व खनिज है। ठीक ना, 22 में है कि कौन सा अधित्व खनिज है, तो 22 का बाबू हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा अभ्रक होगा। ठीक ना, क्या होगा, अभ्रक होगा, ध्यान रखिएगा, 22 का सी होगा, अभ्रक होगा। ठीक ना, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, बॉक्साइट, बॉक्साइट आप लोगों को पता होगा ना। ठीक ना, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, तो आप लोगों को 23 का आंसर हो जाएगा बाबू, 23 का बी हो जाएगा, गया, गया देखे ना, गया जिला जो बिहार में है, तो ये बॉक्साइट से संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ बॉक्साइट से कुछ मिलता नहीं है, बॉक्साइट का यहाँ पे कोई भी खनिज यहाँ नहीं मिलता है गया में। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स का प्रकार है, भारत में जितने भी कोयला पाए जाते हैं, भारत में जितने भी कोयला पाए जाते हैं, तो उस कोयला का जो प्रतिशत है वो बिटुमिन्स का जो प्रकार है वो कितना पाया जाता है। ठीक ना, तो बाबू आप लोगों को पता होना चाहिए बिटुमिन्स कोयला का प्रकार भारत में 80% पाया जाता है, कितना 80% पाया जाता है। ठीक ना, बिटुमिन्स का 80% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक ना, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जगह डी गोंडवाना लैंड के चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड का। ठीक ना, चलिए ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर कि इन तेल शोधन सालों में, ठीक ना, इन तेल शोधन शालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत का कहने का मतलब है बाबू कि मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया, तो ये पूरा पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, तो इस क्षेत्र में नहीं है, उत्तर में नहीं है। ठीक ना, तो इसमें से चेन्नई, चेन्नई तो उत्तर में है ही नहीं, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी, चेन्नई तो यहाँ पे है दक्षिण भारत में, तो डी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए ये 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 27 नंबर कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु केंद्र किस शहर में स्थित है, तो 27 का क्या हो जाएगा, डी, पिलानी में स्थित है, कहाँ है, पिलानी में स्थित है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं, 28 नंबर है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। ठीक ना, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ से, 28 नंबर। ठीक ना, 28 का बाबू हो जाएगा आपका, ठीक है, 28 हो जाएगा बाबू, ए, धनबाद से, कहाँ से, धनबाद से प्राप्त करता है। ठीक ना, भिलाई स्टील संयंत्र जो है कि, ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ में, भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, आप लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे। ठीक ना, भिलाई कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में, धनबाद से कोयला उत्पादन करता है। ठीक ना, कोयला प्राप्त करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में स्थित है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में स्थित है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी आई है, तो ये पश्चिम बंगाल में, हुबली, हुगली, ये सब नाम से पता चला है कि पश्चिम बंगाल में। ठीक ना, उड़ीसा में, ठीक ना, उड़ीसा में, सॉरी, ओडिशा में, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर होगा भुवनेश्वर में, कहा, भुवनेश्वर में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है 31 नंबर
कि भारत में निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। आप लोगों को पता है कि भारत में कब निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी? तो बाबू अगर देखिएगा तो 1991 में, ठीक ना, 1991 के बाद 1992 में जब मतलब कि सरकार बना था कांग्रेस का, तो उसमें वित्त मंत्री बनाया गया था मनमोहन सिंह का, और उन्होंने वहाँ पर नई आर्थिक नीति लेकर आए थे। तो नई आर्थिक नीति में उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर निजीकरण का संबंध बताया था, ठीक ना, निजीकरण ही कर रहे थे उस समय। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन सी आंसर हुआ, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर। 1991 में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी भारत में नई आर्थिक नीति के द्वारा, ठीक ना, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। अब आप लोग डी मत मार दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, ठीक ना, औद्योगिक जिला का मतलब कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ हैं, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से इसमें हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी कानपुर। कानपुर में देखते हैं कि चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, कमड़ा चमड़ा उद्योग, चप्पल उद्योग, ठीक ना, ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है कानपुर में, बेल्ट वगैरह, बैग वगैरह सब बनाने वाला कंपनी है, ठीक ना। इसी तरह इसीलिए क्या होता है कि कानपुर की तरफ जो गंगा माँ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा दूषित होती है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पूछ रहा है बाबू, याद रखिएगा क्वेश्चन। जनसंख्या ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या का घनत्व पूछ रहा है। घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में रह रहे प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या, कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपको होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक ना। तो बाबू अगर जो ऑप्शन दिया इसमें तो बिहार ही होगा सबसे आगे, ठीक ना, 33 का क्या होगा, बिहार होगा, ठीक ना। लेकिन अगर जिस ऑप्शन में बिहार ना रहे उस ऑप्शन में पश्चिम बंगाल होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 1 नंबर पश्चिम बिहार, 2 नंबर पश्चिम बंगाल। तो जिस ऑप्शन में बिहार रहे उसमें 1 नंबर बिहार मार के चलाना है, अगर बिहार ना रहे तो पश्चिम बंगाल को मारना है। आप लोगों को तैयारी एकदम संपूर्ण तरीके से कराना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना। 33 का क्या हो जाएगा, बी होगा, बिहार होगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, ठीक ना। अब राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, ठीक ना, तो क्या है, तो ये दिल्ली से कोलकाता तक का राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, ठीक ना, NH-HIV 2, ठीक ना, दिल्ली से कोलकाता तक का, ठीक ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था, मतलब कि वर्ष 2001 की जो बात की जा रही है उसमें सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में था, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक ना। तो ये था बाबू आप लोग को 35 का पंजाब में था, ठीक ना, पंजाब में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, इस तो मतलब कि आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए दक्षिण है कहाँ, तो दक्षिण देखिएगा तो मतलब कि ये भारत का सपोजेट नक्शा मान लीजिए तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, तो दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन है, ये चेन्नई है। तो 36 का ऑप्शन है कि ये हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी आंसर, चेन्नई। आप लोग पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी वाले लोग मैप ले लीजिए, ठीक ना, और मैप में देख लीजिए भारत का कौन सा राज्य किस एरिया में है, किस क्षेत्र में पड़ रहा है, ठीक ना। वरना जब हम आप लोगों को सब्जेक्टिव कराएंगे तब तो बताएंगे ये सब कुछ, ठीक ना, बस थोड़ी देर और रुकिए, थोड़े दिन और सब्जेक्टिव कराने में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाबू 37 नंबर कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है, भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है, ठीक ना, तो ये 12 होगा, ठीक ना, कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में वायु परिवहन शुरुआत की गई, वायु परिवहन शुरुआत की गई थी भारत में, ठीक ना, वायु ट्रांसपोर्टिंग शुरुआत, एयर ट्रांसपोर्टिंग की शुरुआत कब की गई थी भारत में। तो आप लोग का 38 का क्वेश्चन हो जाएगा बाबू कि 1931 में किया गया था। आप लोग एक और बता देते कि आप लोग एक और बात बता देते हैं कि जियोग्राफी में पूछता है कि 1931 में जातीय जनगणना हुआ था, ठीक ना, जातीय जनगणना आप लोग के देश में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा 1931 में, ठीक है। और यहीं पे गोल हिस्ट्री का बताते हैं कि 1931 में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक ना। तो हिस्ट्री से इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो 1931 वाला मतलब कि द्वितीय वाला में, ठीक है। और वायु परिवहन कब शुरुआत की गई थी, 1931 में, ठीक ना। तो इतिहास भी पढ़ते जाइए, ज्योग्राफी भी पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में कब आया था, ठीक ना। तो 39 नंबर क्वेश्चन ए 1957 में आया था, 1957 में आया था 1957 में। अब 1957 से एक और क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री का जान दीजिए बाबू कि 1957 में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को पता था ना कि अपना संविधान चलाता है, 2 संविधान चलता है वहाँ पे, ठीक ना। तो अभी अब तो नहीं चलता, अब तो हट गया, ठीक ना, लेकिन पहले वहाँ का संविधान चलता था। तो उसका संविधान कब लागू हुआ था, 1957 में, अपना कब लागू हुआ था, 1950 में, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो सिस्टम में कब आया था, 1957 में। तो ये सब फैक्ट बाबू आप लोग जानते जाइए, ठीक है। चलिए
40वां क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता किस नदी पर स्थित है। ठीक ना, कलकत्ता किस नदी पर स्थित है? कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक ना, ये क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। कंटेनर पतन पूछ रहा है, विशालतम याद रखिएगा 41 का। तो ये बाबू हल्दिया में है। ठीक ना, अभी हल्दिया कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन पूछ देता है बाबू कि हल्दिया कहाँ स्थित है, तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बाबू कि इनमें से पर्यटन है। पर्यटन का मतलब होता है कि घूमने वाला स्थान है, कौन सा इसमें से पर्यटन का स्थान है? ठीक ना, तो पर्यटन का स्थल हो जाएगा बाबू 42 का हो जाएगा डी, अंकलेश्वर है। ठीक ना, कौन सा है? अंकलेश्वर है। ठीक है, अंकलेश्वर है। ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर। ठीक है, तो आई होप बाबू आप लोगों ने सब कुछ जान गया होगा। ठीक ना, ये 42 नंबर क्वेश्चन मतलब कि इसमें से आप लोगों को 35 का उत्तर देना था। आप लोग के सामने ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ऐसे ही इसी प्रकार से सारे बुक्स के निचोड़ से क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। ठीक ना, आप लोग ऊपर से देखिए या फिर नीचे से देखिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अब आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक ना, हम आप लोगों को अब अगले के लिए हम कल हिस्ट्री या जियोग्राफी या फिर पॉलिटी कौन सा वीडियो लेके आएँ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी, ठीक ना, हिंदी या इंग्लिश, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज का वीडियो कैसा लगा, लाइव सेशन कैसा लगा, ठीक ना, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच।